तो दोस्तों आज जो है आपको मैं ये देखिए UPS के अंदर के जो ट्रांसफार्मर होता है दो लूप वाला, इस ट्रांसफार्मर से जो है आपको मैं आज आपको इन्वर्टर बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर का जो प्रॉब्लम होता है, कोई भी सर्किट के साथ हम इसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं घर के बनाए हुआ कोई भी सर्किट के साथ, ठीक है। तो आज आपको मैं दिखाऊँगा किस तरीके से आप जो इससे इन्वर्टर बना सकते हैं। अभी देखिए ये जो सर्किट आपको जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉप पर जो आपको मिल जाएगा, आपको बस बोलना है कि UPS का जो अंदर का बोर्ड होता है उस बोर्ड को चाहिए आपको, ठीक है। और देखिए इसके साथ जो एक सॉकेट भी जुड़ा हुआ होता है, मैंने इसको पहले ही जोड़ लिया था, ठीक है। इसके अंदर से दो वायर निकला हुआ होता है, तो इस वायर से जो है हमने इस सॉकेट से हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है आपको, अभी जो है देखिए ट्रांसफार्मर का दो वायर है, ठीक है, सामने वाला देखिए ट्रांसफार्मर का दो वायर है, इस दोनों वायर को जो है आपको इस सर्किट के साथ जॉइंट करना है। तो सर्किट के अंदर देखिए कि एक जो है ब्लैक वाला पॉइंट है, चलिए आपको जो है कैमरा को और भी साइड पे लेके जाके दिखाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो एक ब्लैक वाला पॉइंट है, तो उस ब्लैक वाले पॉइंट के साथ इस ब्लू वायर को आपको कनेक्ट कर देना है, और रेड के साथ जो है देखिए इस रेड के साथ जो है रेड को कनेक्ट कर देना है। तो हमारा जो है पहला स्टेप कम्प्लीट हो चुका है। अभी देखिए ट्रांसफार्मर के पीछे की तरफ जो आउटपुट का वायर्स है इसको भी आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इस वायर को जो है आपको क्या करना है, इस वायर को देखिए सर्किट के अंदर देखिए एक पॉइंट है, प्लग है, बहुत सारे प्लग पॉइंट है, इस प्लग पॉइंट के ऊपर जो है आपको कनेक्ट करना है। तो चलिए इसे भी जो है हम अच्छी तरीके से ध्यान से कनेक्ट कर लेते हैं, आपको जो है ध्यान से इसकी पिन को देखते हुए कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए ये रही हम अभी जो है कनेक्ट कर रहे हैं, तो चलिए हमारा जो है कनेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है लॉक हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए हमें जो है बस क्या करना है, बैटरी लाइन को जोड़ना है, ठीक है। बैटरी लाइन से पहले जो है हम यहाँ से जो इनपुट देंगे जिससे हमारा बैटरी चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो है जब भी बिजली चला जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली जो हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, और जो है जब भी बिजली आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा, और जो है हमारा बैटरी चार्ज होता रहेगा कोई भी नॉन स्टॉप करके, ठीक है। अभी देखिए ये छोटा बैटरी हम जोड़ रहे हैं, आप चाहे तो बड़ा बैटरी भी जोड़ सकते हैं इसके साथ, ठीक है। अभी देखिए हम इसको जो है प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जिस तरीके से वीडियो पे मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आपको जो है ये प्रोसीजर करना है, ठीक है। अभी देखिए मैंने जो है इसको कनेक्ट कर लिया है, तो चलिए हमारा जो है इन्वर्टर कम्प्लीट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, चलिए ये रहे प्लग पॉइंट, तो चलिए पहले तो इसको प्लग के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। पहले अभी जो है देखिए ये कनेक्ट कर रहे हैं हम, तो चलिए बोर्ड के साथ कनेक्ट करने के बाद जो है हमारा बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज शुरू हो गया है, ठीक है। अभी देखिए हम जो है इसके साथ जो है एक बल्ब को जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके साथ जो है एक बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, इसके साथ चलिए एक बल्ब को कनेक्ट अभी हम करते हैं, जो है 300 वाट का बल्ब। आप इसके साथ फ़ैन भी आराम से चला सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा खासा एक इन्वर्टर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए देखिए अभी हमारा बल्ब जो है आराम से ग्लो कर रहा है, अभी बिजली है, ठीक है। बिजली हमारा स्विच का जो है सॉकेट ऑन है, तो हमारा ये जो है चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। अभी जब भी ऑटोमेटिकली बिजली जाएगा ना तब जो है हमारा देखिए अभी बिजली ऑन है, देखिए अभी इसका बिजली ऑफ कर देंगे तो जो है ऑटोमेटिकली ये जलता रहेगा बिल्कुल भी नॉन स्टॉप, ठीक है, बिल्कुल भी ऑफ भी नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए मेरा स्विच पर थोड़ा बहुत लूज कनेक्शन हो रहा है, इसके वजह से जो है कभी कभी हमारा लाइट बल्ब ऑफ हो जा रहा है, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि मेरे स्विच बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे